हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से कोई एन में। अब मैं सुबह उठ गया हूँ, सुबह सुबह अपने कहीं भी जाना हो तो यहाँ फ्री साइकिल्स मिलती हैं, तो मैं यहाँ से साइकिल लेने वाला हूँ। तो इस साइकिल चलाने का तो मज़ा आ जाएगा। तो साइकिल लेने के लिए इसका लॉक खोलना है, तो इसकी चाबी अभी वो लड़की ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रही क्योंकि नंबर लिखा हुआ है 55 और ये 60, इन दोनों की चाबी नहीं मिल रही। 55 ये तो रही, खुल गई। ओ मिल गई। आई गॉट इट। या आई फाउंड इट। आई शो यू हाउ यू कैन लॉक इट। यू शुड लॉक इट। ओके एंड यू टैप द की एंड यू द की ओनली लॉक एंड राइट नाउ यू ओपन चेक। ओके ओके थैंक यू। Thank you. Good morning. Good morning, how are you? Good, good. To you? Good, thank you. Oh ho, रास्ता मैं तो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा था, सामने से वो बाइक आ गई। हमारे वहाँ तो लेफ्ट चलता है, यहाँ राइट चलता है। ये भी तो दिक्कत है, ये ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ खड़े होके पहले गूगल मैप में देख लेता हूँ कि जाना कितने है, जाना कहाँ है। मैंने मोबाइल आगे रख दिया जी, गूगल मैप लगा दिया उसमें कहाँ जाना है। और ये है वॉकिंग एंड साइकिलिंग टाउन, यहाँ बाइक कार अंदर नहीं लेके जा सकते। मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने का। और यहाँ और अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पता है कोई गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ तो सिर्फ पैदल या साइकिल ही होगी। अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप स्ट्रीट के बिल्कुल बाहर से रेंट पर भी ले सकते हो, वहाँ साइकिल्स खड़ी थी, तो यहाँ पर आराम से साइकिल चला सकते हो। थैंक यू। गर्मी है तो नारियल पानी होना चाहिए, बीच साइड पर तो फिर नारियल पानी बनता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, नारियल पानी उसको बैलेंस कर देता है। और जब ये बहुत ठंडा जी, आप यहाँ लगाओगे भी तो आपको गालों पर भी बहुत ठंडक आ जाएगी। तो मैं इसके पैसे वसूल करूँगा, पहले इसको पीऊँगा फिर इसको मलूँगा। कपड़ों की दुकान है लड़कियों के, आप वियतनाम आओ तो होई एन तो आना बनता है, इसको तो आप नहीं स्किप कर सकते अभी तक जो मैंने देखा है। और जब भी आप यहाँ आओ तो ये देख के आना, थोड़ा डेट्स चेक करके आना कि होई एन में फुल मून हो, फुल मून होगा तो आप इंजॉय ज़्यादा करोगे। लैंटर्न्स भाई सब जल रही हैं, उड़ रही हैं, कलरफुल नाइट्स आपको यहाँ मिलेंगी। वैसे तो नॉर्मल डेज में भी यहाँ कलरफुल ही होती हैं, लेकिन जिस दिन फुल मून होता है, महीने में एक दिन तो ऐसा आता ही है कि फुल मून होता है, तो आप अपना पैकेज, अपने टिकट्स उस हिसाब से बुक करवाना, समझ गए आप, आपको मज़ा आ जाएगा। समर्स में आओगे थोड़ी गर्मी है, गर्मी थोड़ी झेलनी मुश्किल हो सकती है दिन के टाइम में, लेकिन विंटर्स में आओगे और फुल मून और सोने पे सुहागा, मतलब आप तो चांदी होगी आपकी, समझ लो। ठीक है जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस टाइम पर आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
दिसंबर तो आपको पता ही है कि पीक टाइम होता है, उस टाइम पर और हो जाए फुल मून, बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर, म्यूज़िक, ट्रेडिशनल डांस, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, ड्रेसेस, खाना पीना, मसाज कराना, बीच पे घूमना, साइकिल चलाना, और आप क्या लोगे। अब गर्मी है, ये नहीं कि नारियल पानी ऐसे पकड़ा दिया जी, लो जी नारियल पानी पी लो, गर्म ठंडा ठंडा, मज़ा तो तभी आता है। और अब मैं आया हूँ स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में। मेरे होटल में स्विमिंग पूल है, डिसेंट बड़ा स्विमिंग पूल है, फोर्थ फ्लोर पर है मेरा रूम। पानी है ठंडा ठंडा, यहाँ पर डाइव अलाउड नहीं है, आप ऊपर से डाइव नहीं मार सकते, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना गहरा ही है खड़ा होकर। इस पूल की गहराई है 6 फुट गहराई है इसकी, क्योंकि मैं इसमें खड़ा हुआ पूरा नीचे जा रहा हूँ। तो अब लंच टाइम हो गया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है ग्रैब ऐप से ही मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, बाइक से इधर उधर जा रहा हूँ बुक करके, और ग्रैब ऐप से ही आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने प्लेन राइस, दाल मखनी और मिक्स्ड रायता ऑर्डर किया है, ये मुझे पड़ा है 2,52,000 डोंग का, तो इंडियन रुपीज़ में हो गए 850 रुपये। तो ये मेरा खाना भी आ गया, ऑर्डर करने के 20 मिनट के अंदर आ गया। या बाबास किचन, या थैंक यू, इट्स राइस, दाल मखनी, इट्स इंडियन डिश, अनियन। ओके एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू। मेरा रूम नंबर है 404। ये रायता, कुछ इन्होंने चटनियां दी हैं, अनियन थोड़े से, दाल की क्वांटिटी ठीक है, ये राइस, ओह बिल्कुल गर्म है, और मैं ये खाता हूँ उसके बाद चलते हैं बीच पर। और अब मैं जा रहा हूँ बीच पर, मैंने ग्रैब बाइक बुक की है, वो बस आने वाली होगी, बीच यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मेरे होटल से। ये आ गई ग्रैब फास्ट सर्विस, श्वेता, श्वेता यार, यूट्यूब बार, या आई नीड टू रिमूव द कैप, जस्ट यू आर डूइंग बुक यूट्यूब, या ओके, बीच, या हैंड बैंक बीच।
मैं सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गया 20,000 डोंग में, 70 रुपये में, इंडियन रुपीस में। बाइक ने तो 200-300 मीटर पीछे उतार दिया, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। अपनी बाइक लेके आओगे तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो, बाइक या साइकिल। दो घंटे से तैयार होके बैठा हूँ लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रुकी है और ये आप सीन देखो सामने बीच का। यहाँ कैफेज बने हैं, रेस्टोरेंट्स, एंड बैंग बीच। बीच के पास आप किसी भी कैफ़े में शाम को थोड़ी देर बैठ के इंजॉय कर सकते हो। वेज स्प्रिंग रोल 90,000 डोंग, मतलब 312 रुपये हमारे। चलो आपको अंदर लेके चलता हूँ स्टारबक्स के। और ATMs आपको यहाँ बाहर रोड पर ही मिल जाएंगे, कहीं आपको अंदर नहीं जाना निकालने। ATM बाहर ही लगा हुआ है जी, कोई चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं, कोई गार्ड नहीं बैठा, कुछ नहीं। 2 ATM यहाँ लगे हुए हैं। ये स्ट्रीट फूड मार्केट है होइएन की, ओल्ड टाउन में है, होई रिवर के पास। यह है गणेश इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ मैंने वेजिटेबल थाली ली है 600 रुपये में, लेकिन ये थाली 2 लोग आराम से खा सकते हैं और टेस्टी भी है। यह है बाबास किचन, जो सिर्फ 100 मीटर दूर है गणेश रेस्टोरेंट से। यहाँ मैंने ट्राई किया डोसा और उत्पम। इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं केरला के, तो मैंने कहा क्यों ना साउथ इंडियन ही ट्राई किया जाए। आप भी यहाँ पर आके साउथ इंडियन ट्राई करें, जो बहुत टेस्टी है। ये आप देखो साइकिल रिक्शा। तो मैं वापस होटल आ गया हूँ
और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।